काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 6 अगस्त और देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपका जो परिवार है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आपका चैनल है, उसमें 10 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं। दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू सो मच। दोस्तों दोस्तों ये जो चैनल है पिछले साल 22 अगस्त को मैंने क्रिएट किया था। दोस्तों आज है 6 अगस्त, एक साल से भी कम टाइम में, दोस्तों एक साल से भी कम समय में ये उपलब्धि हासिल कर लिया है हमारा चैनल। ये सब कुछ आप सब की वजह से पॉसिबल हो पाया दोस्तों। और ये दोस्तों ऐसा करने वाला इंडिया का नंबर वन चैनल बन गया कि एक साल से भी कम समय में जो है तो एजुकेशन का चैनल ये नंबर वन चैनल बन गया है। ठीक, 1 मिलियन क्रॉस कर गया दोस्तों। दोस्तों आप सब अपना ऐसे ही प्यार, विश्वास और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा जिससे आपको सफल हो जाएं, ऐसी सेवा मैं करता रहूँगा। दोस्तों आप लोग बहुत मेहनत करिए, अच्छे सक्सेस हो जाइए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अपनी मंजिल को पा लें और आपके सफलता में दोस्तों यदि मेरा थोड़ा सा भी सहयोग रहेगा तो मैं अपने चैनल को बनाने का जो मकसद है वो पूरा समझूंगा। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। या फिर मैं अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, उसमें क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स, 6 अगस्त 2018 करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC रैंकिंग में टेस्ट के नंबर वन बल्लेबाज कौन बन गए हैं। दोस्तों हाल ही में ICC रैंकिंग में टेस्ट के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं भारत के कप्तान विराट कोहली। ठीक है, देखिए दोस्तों भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो हैं विराट कोहली ने टेस्ट बल्लेबाजों के लिए ICC प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और आपको बता दें दोस्तों कोहली ऐसा करने वाले भारत के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं और सचिन तेंदुलकर के बाद पहली बार ICC रैंकिंग में नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात क्रिकेट की हो रही है, ICC की हो रही है, तो ICC रिलेटेड आपको सारे फैक्ट बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे आते हैं। सबसे पहले तो ICC का फुल फॉर्म जान लीजिए। ICC का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी ICC की? 15 जून 1909 को। कब हुई थी? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान चेयरमैन है दोस्तों ICC के अपने भारत के शशांक मनोहर, और CEO कौन है? डेविड रिचर्डसन है CEO। ठीक है, और दोस्तों विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रक तथा नियामक संस्था ICC। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों अगला वर्ल्ड कप जो होगा ICC अगला वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप होगा 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ पे? इंग्लैंड और वेल्स में। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स हैं वो कहाँ होंगे, तो क्रिकेट का कहाँ पे होगा अगला वर्ल्ड कप? ये होगा इंग्लैंड और वेल्स में। दोस्तों थोड़ा BCCI के बारे में भी जान लेते हैं, बात क्रिकेट की हो रही है। तो BCCI का फुल फॉर्म दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी BCCI की दोस्तों 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो BCCI के वर्तमान प्रेसिडेंट है CK खन्ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक आपको फैक्ट बता देता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड को माना जाता है। किसको? क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रॉफी आपको बता देता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जो दोस्तों एक ट्रॉफी पूछी जाती है कि रणजी ट्रॉफी के संबंध किस खेल से, तो ये है दोस्तों क्रिकेट से, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो ये दोस्तों क्रिकेट से। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में ICC रैंकिंग में टेस्ट के नंबर वन बल्लेबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों हाल ही में ICC में टेस्ट के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, यानी ऑप्शन बी राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट शेयर करता हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीमा उत्पादों को बेचने के लिए दोस्तों जो है तो विजया बैंक के साथ, किसके साथ? विजया बैंक के साथ एक समझौता किया है, यानी ऑप्शन सी राइट है। देखिए दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए विजया बैंक के साथ एक समझौता किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि बीमाकर्ता और ऋणदाता के बीच समझौता देश भर में फैले बैंक की 2129 शाखाओं के माध्यम से अधिक पहुंच प्रवेश सुनिश्चित करेगा।
इसके अलावा दोस्तों HDFC लाइफ जो है 163 बैंक इंश्योरेंस साझेदारों के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, यहाँ पे बात HDFC की हो रही है दोस्तों, तो HDFC से रिलेटेड आपको फैक्ट बता देता हूँ, जानना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। HDFC का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार, तो फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अगस्त 1994 में HDFC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्तमान MD है दोस्तों HDFC के, वो है आदित्यपुरी। कौन है? आदित्यपुरी। और बता दोस्तों विजया बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विजया बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु इंडिया में। कहाँ हेडक्वार्टर? बेंगलुरु इंडिया में। वर्तमान जो MD और CEO हैं तो वो है कौन है? शंकर नारायण। MD कौन है वर्तमान विजया बैंक के? शंकर नारायण। और फाउंडर कौन थे विजया बैंक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर थे दोस्तों श्री अथर्व बालकृष्ण शेट्टी। कौन थे फाउंडर विजया बैंक के? श्री अथर्व बालकृष्ण शेट्टी। ठीक है, यहाँ पे बात करते दोस्तों SBI बैंक की, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो SBI का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में। वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये जरूर पूछा जाता है बैंकिंग और अदर एग्जाम से। वर्तमान चेयरमैन SBI के रजनीश कुमार। और दोस्तों SBI का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक वो दोस्तों SBI। ठीक है, और SBI के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों SBI का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों विजया बैंक के साथ, यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त व्यापार समझौते के दायरा को बढ़ाने के लिए भारत किस देश के बीच वार्ता आयोजित करेगा? दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता दायरा को बढ़ाने के लिए भारत जो है तो श्रीलंका के साथ एक वार्ता आयोजित करेगा। देखिए दोस्तों, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के दायरे को बढ़ाने के लिए बातचीत के 10वें दौर आयोजन करेंगे। और इसका उद्देश्य दोस्तों, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों व्यापार मानदंडों को उदार बनाकर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच सामानों के लिए एक मुक्त व्यापार का समझौता है, और इसे कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था मार्च 2000 में। ठीक है, मार्च 2000 में लागू किया गया था। बात करें दोस्तों श्रीलंका की, यहाँ पे श्रीलंका की जो कैपिटल है दोस्तों वो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है, श्रीलंका की दो कैपिटल है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा और कॉमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो। और दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? तो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है मैत्रीपाल सिरिसेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान प्रेसिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेना। और PM की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के वर्तमान में रानिल विक्रम सिंह है। ठीक है, तो मुफ्त व्यापार समझौते को दायरा को बढ़ाने के लिए भारत किस देश के बीच वार्ता आयोजित करेगा? तो ये करेगा दोस्तों श्रीलंका के साथ। अगला दोस्तों, नाबार्ड ने हरियाणा के ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दोस्तों नाबार्ड ने हरियाणा के ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। कितने? 772, यानी ऑप्शन सी राइट है। देखिए दोस्तों, नाबार्ड ने हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में राज्य स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा दोस्तों इस परियोजनाओं पर काम जो है तो 256 गाँवों और 72 टोलों को पानी की आपूर्ति करेगा और यह प्रगति पर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें शहरी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से भी वित्तीय सहायता मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात हरियाणा की हो रही है और नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, जैसे इसके नाम से उल्लेख है दोस्तों आपको पता है कि कृषि ऋण तथा ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ये बैंक है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। तो नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। कौन है नाबार्ड के चेयरमैन? डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड ने हरियाणा के ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दी 772 करोड़ रुपए की। ना दोस्तों हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान CM कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान CM दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान राज्यपाल कौन है हरियाणा के? तो वह है कप्तान सिंह सोलंकी। दोस्तों हरियाणा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों स्थित है हरियाणा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है।
ठीक है। तो नाबार्ड ने हरियाणा के ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 772 करोड़, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डी एफ सी सी आई एल का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, अनुराग सच्चन। अब यहाँ पे डी एफ सी सी आई एल का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है फुल फॉर्म? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इनके प्रबंध निदेशक के रूप में अनुराग सच्चन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको कि भारतीय रेलवे सेवा इंजीनियरिंग के 1985 बैच के अधिकारी जो तो अनुराग सच्चन वर्तमान में ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं ये। और इसके अलावा आपको बता दें कि डी एफ सी सी आई एल आखिर है क्या, तो जान लीजिए ये दोस्तों रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित एक विशेष उद्देश्य वाहन है, ठीक है। तो डी एफ सी सी आई एल का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्ति किया दोस्तों अनुराग सच्चन को, और इसका फुल फॉर्म क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करें अरिजीत बसु जी की, तो अरिजीत बसु जी दोस्तों वर्तमान में इनको अभी हाल ही में SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं दोस्तों वो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। बात करें महेश कुमार जैन जी की दोस्तों, तो महेश कुमार जैन जी को भी हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया महेश कुमार जैन को। वहीं बात करें दोस्तों पंकज शरण जी की, तो पंकज शरण जी को अभी हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्या? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में DFCCIL का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग सच्चन को, यानी ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया की पहली अंतःज्वारी कला गैलरी कहाँ स्थित है? दोस्तों दुनिया की पहली अंतःज्वारी कला गैलरी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मालदीव में। कहाँ पे? मालदीव में। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं रख पाया हूँ मालदीव, तो माफ़ करिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। देखिए दोस्तों कोलारियम नामक दुनिया की पहली अंतःज्वारी कला गैलरी कहाँ स्थित है? ये मालदीव में, और यह लगभग 30 कलाकृतियों से भरा है जो मूंगा और अन्य समुद्री प्रजातियों के निवास के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा दोस्तों गैलरी का फ्रेम जो है PH जो है तो उदासीन समुद्री स्टील से बना है, और इसके आसपास का जो नीले रंग को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसका डिज़ाइन किसने किया था? इसका डिज़ाइन किया दोस्तों ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डकैरिस टेलर द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका डिज़ाइन कौन किया था? ब्रिटिश मूर्तिकार है जेसन डकैरिस टेलर द्वारा। दुनिया की पहली अंतःज्वारी कला गैलरी कहाँ स्थित है? दोस्तों मालदीव में, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन दोस्तों, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा, यदि नहीं देखी कल की वीडियो जस्ट यहाँ पे प्ले होगी, अभी देख सकते हैं, जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है डेली की, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मैं डेली हैंड रिटन नोट सभी सब्जेक्ट से जो तो प्रोवाइड कराता हूँ अपने फेसबुक पेज पर ऑनलाइन SD.official के नाम से, या फिर उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यदि आपको PDF फाइल चाहिए, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यदि आपको कोई भी सवाल सुझाव डाउट्स हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ऑनलाइन SD.point के नाम से इंस्टाग्राम ID है, चाहे तो आप सर्च कर लीजिए अपने इंस्टाग्राम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो के साथ, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।